आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ है ये चैप्टर सिक्स है और डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज है पहला जो क्वेश्चन है इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बात हो रही है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स तो पहला कॉलम मतलब इसकी बात बारे में बात होगी जैसे पहला कॉलम है यहां एंड हेन्स इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस तो पहले मैं फर्स्ट के को लेकर आपको जिनको माइनर या को फैक्टर के बारे में आइडिया ना हो तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं देखिये सबसे पहला ये है कि आप इसको इस मेट्रिक्स को लिखिए फाइव जीरो ट्वेंटी माइनस वन सबसे पहले इसका जब माइनर निकालेंगे हम तो माइनर निकालने के लिए इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं किससे इसमें दो रो है और दो कॉलम है यानी कि ए वन वन ये ए वन टू ए टू वन और ये ए टू टू राइट तो पांच हो गया ए वन वन बीस ए वन टू जीरो ए टू वन और ए टू टू आपका माइनस वन हो गया माइनर निकालने के लिए हम साइन पे ध्यान नहीं देते अभी साइन का कोई मतलब नहीं है बस लेकिन जब हम इसका माइनर निकालेंगे यानी कि ए वन वन का माइनर निकालेंगे तो ए वन वन किस रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे आता है ये आपका ये वाला रो हो गया ये कॉलम हो गया यानी कि इस पूरे रो को छोड़ दीजिए उस पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए जो बचता है वही इसका माइनर होगा यानी कि ए वन वन का माइनर हुआ ए टू टू इसको भी मार्क कर देता हूं ये ए वन वन है ए वन टू है ये ए टू वन है ये ए टू टू है ए वन वन का माइनर माइनर हुआ आपका ए टू टू इसका मतलब ये हुआ कि ए वन वन यानी कि पांच का माइनर है आपका ए टू टू यानी कि माइनस वन ठीक है जी माइनर ऑफ फाइव अब हम आते हैं इस पे ए वन टू ए वन टू कौन सा रो और कौन सा कॉलम इंटरसेक्शन है ये वाला ए वन टू तो इसको अगर छोड़ दे तो ए टू वन बनता है ए टू वन जो है वो माइनर है ए वन टू का ट्वेंटी का माइनर क्या है जीरो इसी तरीके से अब इसको ले लीजिए आप ए टू वन को यानी कि जीरो को इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जो बचता है तो ए टू वन का माइनर है आपका ए वन टू इसका मतलब जीरो का माइनर है ट्वेंटी इसी तरीके से अब हम ए टू टू ले रहे हैं इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए ए वन वन आएगा यानी कि ये जो ए टू टू है इसका माइनर क्या है फाइव यानी कि ए वन वन तो माइनस वन का माइनर हो गया फाइव क्लियर हो गया अब ये माइनर तो आ गया आपके अब आपको देखना है कि को फैक्टर कैसे निकलेगा तो ये सारे माइनर है तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको करना ये है कि ये माइनर लेने हैं यानी कि हमने माइनस वन लिखा ये जीरो ट्वेंटी ये और ये फाइव ये सारे माइनर है लेकिन किस किस के हैं ए वन वन के ये ए वन टू का और ये ए टू वन का और ये टू टू का तो अब आपको करना क्या है को फैक्टर निकालने के लिए इनके सामने आप माइनस वन टू द पावर ये आई प्लस यानी कि वन प्लस वन कर दीजिए यहां पर माइनस वन की पावर वन प्लस टू ये कर दीजिए माइनस वन की पावर टू प्लस वन ये कर दीजिए तो माइनस वन की पावर टू प्लस टू ये कर दीजिए तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन ध्यान रखिएगा माइनस वन की पावर जो इवन होता है हमेशा आपको वन देगा और तो माइनस वन की पावर आपको ऑड हमेशा ये माइनस वन देगा तो यहाँ इसको हम इवन आर्ट के हिसाब से समझ लेते हैं तो ये हुआ माइनस वन की पावर टू यानी कि इवन हो गया तो इवन में आपको वन ही मिलेगा तो ये माइनस वन आ गया माइनस वन टू द पावर थ्री ये आपको नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव जीरो तो कोई मतलब नहीं होता है जीरो तो जीरो ही होता है माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन यानी कि माइनस वन की पावर थ्री अभी आपको माइनस मिलेगा तो माइनस ट्वेंटी और ये आपका आया माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू माइनस ट्वेंटी दावर टू प्लस टू हो गया फोर इसका मतलब ये वन आएगा तो ये फाइव आएगा देखिएगा ये आपका ये सारे जो है ये को आ गए ये आपके कोफैक्टर क्या है ये देखिएगा इस तरीके के ये सारे मैंने आपको बता दिए लेकिन आपको केवल फाइव और जीरो का निकालना है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉलम कहा है ध्यान रहेगा तो ये वाला भी निकाल लेंगे आप एक हम देखिए एक हमने टू बाय टू का कर लिया एक हम इसका थ्री बाय थ्री का भी करेंगे तो बेटर ये है ऐसा कोई लेते हैं जो थोड़ा सा थोड़ा सा ये फोर्थ वाला लेते हैं देखिए ये ए और फोर्थ इसी तरीके से बनेगा या फिर एक काम करते हैं पहले थर्ड लेते हैं फिर इन दोनों में से एक ले लेंगे ये आप निकाल लेंगे आने वाले का थर्ड का थर्ड थर्ड काम निकालेंगे थर्ड काम मैं बताता हूं आपको देखिए करने का तरीका वही है करना वही है कि आपको ये ये जो कॉलम है उसके हिसाब से निकालना है तो अगर मैं कॉलम लिखू जैसे आपका अगर मैं इसको लिखू एक रो दो रो तीन रो एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम तो ये आपका हो गया ए वन वन ये थ्री ए टू वन ए टू टू एन ए थ्री थ्री ठीक है जी तो आपको ये ए वन वन निकालना है तो ए वन वन क्या आएगा ए वन वन के लिए आपको ए वन वन ये और इसको छोड़ देना है तो ए वन वन का अभी हम माइनर निकाल रहे हैं इसको इसको छोड़ दीजिए ये आएगा आपको एक दो तीन चार इसका मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं ये आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी ए वन निकालने के लिए आपके पास जो माइनर आएगा वो आएगा माइनस वन टू और फाइव और टू इसी तरीके से आप हम ए टू वन करेंगे ए टू वन इसका माइनर कैसे निकलेगा ए टू वन यानी कि हम इसके बारे में बात करें तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए माइनस थ्री टू और फाइव और टू ये आ जाएगा फिर अब आ जाइए इस पे ये वाले पे ये है आपका ए थ्री वन तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए आपका आया माइनस थ्री टू और माइनस वन टू ये हो गया इसकी वैल्यू ले लीजिए डिटर्मिनेंट है टू है। माइनस वन माइनस फाइव फाइव टू जट फाइव इंटू टू यह आपका आएगा माइनस थ्री इंटू टू माइनस फाइव टू टेन ये आपका आएगा माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू वन जू प्लस कर दे रहा हूं मैं क्योंकि माइनस में है अब इसको देख लेते हैं ये आपका माइनस टू यही पे कर देता हूं माइनस टू और माइनस टेन यानी कि माइनस ट्वेल्व ये आपका माइनस सिक्स और माइनस टेन ये आपका आ गया माइनस सिक्सटीन इसी तरीके से ये माइनस सिक्स प्लस टू ये आपका हो गया माइनस फोर ये आपके आगे माइनस अब को के लिए क्या करना होगा कि आपको केवल ये लेना है ये और माइनस वन के ऊपर चढ़ा देना है कहने का मतलब माइनस वन टू द पावर क्या आएगा ये आई है ये जे है। तो वन प्लस वन ये आपका आएगा माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन ये आएगा आपको माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन और ये तो हो गया ये अब इसके आगे आप मायना लिख देंगे क्योंकि अभी हम को फैक्टर निकालने जा रहे हैं तो ये माइनस ट्वेल्व ये माइनस सिक्सटीन और ये माइनस फोर अब आप ध्यान रखिएगा माइनस वन की पावर अगर इवन होगा तो आपको वन मिलेगा माइनस वन की पावर ऑड होगा तो आपको माइनस वन मिलेगा तो ये माइनस वन तो पावर टू यानी कि ईवन है इसका मतलब ये आपको माइनस यहां लिख देता हूं ये आपको क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा ये माइनस वन तो पावर थ्री यानी ऑड हो गया है नेगेटिव 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 आएगा पॉजिटिव तो आपको सोलह मिलेगा माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस वन, वन इवन है तो आपको वन मिलेगा वन और माइनस वन मिलेगा। तो ये आपके को फैक्टर होगा ठीक है जी तो ऐसे निकालना तो कर लिया ये इसका भी आपके सामने है लेकिन एक काम करते हैं ये वाला और कर लेते हैं ठीक फोर्थ वाला और कर लेंगे तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं हम ये फोर्थ कर रहे हैं फोर्थ वाला ही कर रहे हैं तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा हमको माइनर निकालना है ये आपका ए वन वन है ए वन वन क्या निकलेगा इसको इसको छोड़ दीजिए बी सी और सी ए बी आपको इसको एम लिख दिए ज्यादा अच्छा है एम वन टू ये एम टू वन निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए बी सी और सी ए अब आपको करना है एम थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि आपको ए बी सी लिखना है यहां पे और बी सी इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे बी इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी एगा आपका ए इंटू ए बी माइनस सी इंटू बी सी ये आपको बनेगा ए इंटू सी ए माइनस बी इंटू सी इसका मतलब बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर इससे ए कॉमन ले लेते हैं ये बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये क्या बना आपका इसमें ए स्क्वायर हो गया ये सी स्क्वायर हो गया बी कॉमन ले सकते हैं ये डायरेक्ट लिख देगा बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहां आपको बतला ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर तो सी कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर तो समझ गए होंगे कि आपको जैसे पहले क्वेश्चन किए कि ये आपका जहां इसका को फैक्टर निकाल निकालना चाहेंगे, को फैक्टर ही निकाल देते हैं को फैक्टर निकालना चाहेंगे तो ये माइनस वन की पावर वन प्लस वन बनेगा माइनस वन की पावर टू प्लस वन बनेगा ये माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन बनेगा क्योंकि इवन है तो यह वन होगा ये ऑड है तो माइनस वन होगा ये इवन है तो वन होगा इसका मतलब इन तीनों में केवल इसका साइन चेंज होगा ये वन 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 हो 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 रहा 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 है ये से हो रहा है है तो ये हो ये माइनस इसका केवल साइन चेंज होगा तो मैं ये कोफैक्टर जो होगा कोफैक्टर लिख रहा हूं कोफैक्टर ये सेम चीज आएगी कोफैक्टर में ये भी सेम चीज आएगी यहां पर आप बस इसका साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि तो माइनस वन सेवन अप्लाई हुआ तो इसको सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए ओके अब अगर आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालना है डिटर्मिनेट निकालने का भी तरीका बता रहा हूं आपको डिटर्मिनेंट निकालना क्योंकि इसके पहले मैंने डिटर्मिनेट नहीं निकाला डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है आपके पास अब को फैक्टर आ चुके। है न? आपको लेना क्या है पहली वैल्यू ले ये ये तो ली है उसके आगे हम को फैक्टर लिख देंगे को फैक्टर हम क्या लिख रहे हैं इसमें को फैक्टर लिखेंगे या तो आप माइनर से कर लीजिए को फैक्टर से को फैक्टर से कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते डायरेक्ट भी तरीका उसका That, uh, करने का तरीका क्या है किसों ने कहा है कि माइनर और कोफैक्टर निकालना है फॉलोइंग मेट्रीसियस एंड द इन ईच केस दोनों तरीके से कर सकते हैं दोनों तरीके से करने का मतलब यह है जब आप को फैक्टर निकाल लेते हैं तो आपको जब को फैक्टर निकाल लिया आपने तो आपको सीधा ये पहली वैल्यू यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू लिया आपने ऐसे बताता ये फर्स्ट वैल्यू लीजिए एक है इसको मल्टीप्लाई करिए को फैक्टर से ये क्या गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस कीजिए

ये है एस, इस, इस इसको आप आ, चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं रीअरेंज कैसे करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करिए और ए स्क्वायर कॉम्बोनेट लीजिए जैसे आप मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं ए हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर अब क्या करिए इससे इससे ए uh, स्क्वायर देख लीजिए जहां भी आपको ए स्क्वायर मिल रहा हो तो uh, ये ए स्क्वायर मिल रहा है आपको तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए क्या बनेगा ये ए स्क्वायर कॉमन लेती है आपका सी माइनस बी बन जाएगा सी माइनस बी प्लस ये दोनों हो गए अब आप ले लीजिए बी स्क्वायर बी स्क्वायर में कौन सा ये वाला है और ये वाला है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आपका बना क्या ए माइनस सी ए माइनस सी प्लस सी स्क्वायर कर लीजिए आप स्क्वयर वाला ये है और ये है तो आपका बी माइनस ए बनेगा तो डायरेक्ट आगे ना तो को फैक्टर जब आप लेंगे तो को फैक्टर से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आप को फैक्टर लीजिए पहला इस पहली वाली से मल्टीप्लाई करिए प्लस ये वाला लीजिए इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस इस ये लीजिए इससे मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए लेकिन अगर आपको प्रॉपर डिटरमिनेंट निकालना है तो आपके पास वो भी तरीके हैं तो इसका मतलब ये है कि आई होप ये तो आप कर ही लेंगे ये वाला हम कर लेते हैं है ना ये वाला हम कर लेते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट हमें लिख दूंगा अब हम डायरेक्ट निकालेंगे ठीक है अब मैं आपको हम निकाल रहे हैं सबसे पहले माइनर तो एम वन वन निकालेंगे पहले ये क्या बनेगा देखिए अगर वन वन निकालेंगे तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे आपका आएगा बी एफ और एफ सी एम टू वन निकालेंगे मतलब ये फर्स्ट कॉलम के हिसाब से ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए एच जी एच जी और एफ सी फिर एम थ्री वन निकालेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दीजिए एच जी बी एफ आ जाएगा एच जी बी और एफ राइट right. इसको डायरेक्ट लिख देंगे ये बी सी माइनस एफ स्क्वायर ये आपको बनेगा एम टू वन तो एच सी माइनस जी एच एफ जी सॉरी एफ जी होगा एच एफ माइनस जी डी ठीक है साहब मैंने आपको बताया था कि जब हम को फैक्टर निकालेंगे तो करना क्या है ये तो प्लस में रहेगा क्योंकि ये माइनस टू पावर बनेगा ये टू थ्री तो प्लस वन बनेगा, तो बनेगा तो ये प्लस में प्लस वन आएगा ये प्लस वन आएगा ये माइनस वन, वन आएगा इसका मतलब को फैक्टर में ये बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हम अप्लाई करेंगे ऐसा हो जाएगा मतलब ये माइनस में आ जाएगा तो इसको आप साइन चेंज कर दीजिए ये आपका आ गया एच जी माइनस एच सी ये भी सेम आएगा एच एफ माइनस जी ठीक है जी अब इसका अगर आपको डिटर्मिनट निकालना है तो दो तरीके बताऊंगा आपको पहला हम मैं बता रहा हूं आपको सीधा बगैर को, को फैक्टर का यूज किए हुए को फैक्टर का यूज किए बगैर किए गए तो पहले ए लेंगे और अंदर आएगा आपका बी एफ और एफ सी बी एफ एफ सी एफ एफ सी ऑलरेडी हम कर चुके तो सारे वैल्यू लिखेंगे ए इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर अब यहां पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि हम जब ये एच लेंगे तो आपका आएगा एच सी माइनस जी एफ एच सी माइनस जी एफ और प्लस ये जी इंटू यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी के हिसाब से ये आपका एच एफ माइनस जीबी तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूं अब मैं आपको को फैक्टर यूज करूंगा डायरेक्ट को फैक्टर यूज करेंगे एक ही बात है को फैक्टर में हमको साइन ही लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ए पहला ले लीजिए एच ले लीजिए और ये जी ले लीजिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ए का को क्या था बीसी माइनस एफ स्क्वायर प्लस लीजिए साइन की कोई चिंता नहीं करिए क्योंकि साइन हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं एच इनटू यहाँ क्या करेंगे एच का बनेगा एच जी ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एफ जी माइनस एच सी तो एफ जी माइनस एच सी प्लस जी इनटू यहाँ भी साइन का कोई मतलब नहीं है ऑलरेडी साइन यहाँ कैटर कर चुके हैं जी इंटू ये बनेगा आपका एच एफ माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करिएगा आपका जो फाइनल बनेगा वो बनेगा ए बी सी प्लस टू एच एफ जी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच या ये वाला लीजिए एक ही बात आएगी ठीक है जी आप कर लेंगे ना डायरेक्ट क्या रीअरेंजमेंट करना है इसके बाद अब ये वाला है तो ये इसमें क्या करेंगे इसमें बहुत ही आसान है इसका क्योंकि हमको सारों का नहीं निकालना है हमें केवल इसका निकालना है इन इन चारों का यहां आपका लिख रहा हूं मैं एम वन वन ये हो जाएगा एम टू वन ये आपका एम थ्री वन और ये एम फोर वन ठीक है सर साथ? ये कैसे आएगा एम वन वन कैसे आएगा इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए बाकी लिख दीजिए तो जीरो वन माइनस टू वन माइनस वन वन और माइनस वन फाइव जीरो टू वन क्या आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए तो आपका आएगा माइनस वन जीरो माइनस वन वन और माइनस वन फाइव जीरो एम आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका आएगा माइनस वन जीरो वन क्या करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो जीरो वन माइनस टू और माइनस वन फाइव जीरो फोर वन के लिए इस रो इस को छोड़ दीजिए तो आपका बनेगा माइनस वन जीरो अब ये मान के चलता हूँ कि आप ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए है ना ये ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालना जानते हैं एक अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो बाकी आप निकाल लीजिए तो मैं एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं तो ये फर्स्ट रो के हिसाब से खोल लेते हैं इसको जीरो ये बनेगा माइनस वन वन फाइव जीरो और ये होगा माइनस वन ये वन माइनस वन और वन जीरो प्लस प्लस टू नहीं लिख रहा हूं माइनस टू इसलिए माइनस टू ही लिख देता हूं और ये वन माइनस वन और माइनस वन फाइव चलिए ये तो हटा दीजिए जीरो हो जाएगा ये आपका माइनस वन इंटू ये वन इंटू जीरो जीरो और माइनस ऑफ माइनस वन वन इंटू माइनस वन माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा तो ये आपके माइनस वन आएगा यहाँ पर आ जाइए माइनस टू इंटू जब लीजिए माइनस ये वन 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 इंटू वन वन क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका वन फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन हो जाएगा फोर माइनस वन माइनस एट ये हो गया माइनस नाइन माइनस नाइन इसका आया जैसे इसका माइनस नाइन आया इसे सबका निकाल लेंगे आप मैं आपका फाइनल लिख देता हूं ये आपका माइनस नाइन आया है ये आपका ये जो आप आएगा वो आपका नाइन आएगा ये आपका आएगा माइनस नाइन और ये आपका जीरो आएगा ये आपको माइनस आ गया अब को फैक्टर निकालेंगे आप को फैक्टर में क्या करना है देखिए ये माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन यानी कि माइनस वन टू पावर टू ये माइनस वन टू दावर यहाँ लिख देता हूँ माइनस वन टू द पावर टू ये minus 1 टू द पावर 2 plus 1 एने के लिए थ्री ये माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस 4, एने की फोर ये माइनस वन टू द पावर फोर प्लस फाइव तो ये minus 1 की पावर ई है तो 1 ही मिलेगा ये आपको माइनस मिलेगा ये आपको वन मिलेगा ये माइनस मिलेगा, मिलेगा इसका तो कोई मतलब नहीं है तो आपके फाइनल जो को फैक्टर आ है वो आपका माइनस नाइन ये आपका ये माइनस मिलेगा तो माइनस 9, और 0. को आ गया ठीक है जी अब आपको अगर इसका डिटर्मिनेट निकालना है तो वही तरीका है अपने पास क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोरेक्टर आ चुके हैं तो इसका जो फाइनल डिटर्मिनेंट है वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यानी कि ये टू इंटू ये चा, ये बाकी ये डिटर्मिनेंट और माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन इन टू कॉलम को छोड़ के जो भी आता है वो यहाँ लिख दीजिए ये जीरो वाला तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा और ये माइनस वन इन टू इसको छोड़ दीजिए ये वाला चीज़ आ जाएगा या फिर अपने पास क्या डायरेक्ट तरीका है इस टू को लीजिए हमारे पास को फैक्टर है माइनस वन प्लस माइनस थ्री लीजिए इंटू माइनस नाइन प्लस वन इंटू माइनस नाइन और प्लस टू क्योंकि हम कॉलम से ये कॉलम के निकाले ना तो कॉलम से खोल रहे हैं इसको टू इंटू और ये आपका जीरो तो क्या बना माइनस एटीन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नाइन थी 27 ट्वेंटी सेवन और माइनस नाइन तो 18 और नौ जो होता है वो 27 होता है तो ये आपका हो जाएगा सत्ताईस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन यानी जीरो जीरो आ जाएगा अब ये सवाल संख्या है दो जिसको हम करेंगे अगली बार तब तो चलिए तो तो शुक्रिया मेहरबानी आप सभी की